नमस्कार, मैं राहुल तिवारी लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। लद्दाख मामले पर घबराया चीन, कहा इससे आगे टकराव नहीं चाहते। हरियाणा थप्पड़ कांड में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। कांग्रेस पार्टी द्वारा जींद को किया गया एडवांस टेक्नोलॉजी से सैनिटाइज। बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से फिर आए 3 कोरोना के मामले, संख्या पहुंची 368। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 सी की एक शॉप में लगी भीषण आग। जलंधर में 2.5 घंटे एम्बुलेंस में पड़ा रहा मरीज, अस्पताल ने दाखिल नहीं किया, जान गई। सोलन से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्रक वितरण कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में भारत और चीनी सैनिक झड़प पर आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आ गया है। इसमें बताया गया है कि 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक करेंगे। इसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। मीटिंग में भारत चीन बॉर्डर की ताजा स्थिति पर चर्चा होगी। लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। 2 दिन पहले सीमा पर हुई हिंसा में भारत के 20 जवानों को जान गंवानी पड़ी। वहीं चीन के 5 सैनिक मारे गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त तेवरों को देखते हुए चीन विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें टकराव की स्थिति को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए, साथ ही भारत को कसूरवार ठहराया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में बढ़ते बवाल के बीच फिल्म इंडस्ट्री कुछ बड़े लोगों के खिलाफ बिहार कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड सिलेबस में सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और एकता कपूर जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। 5 जून को टिकटॉक स्टार द्वारा हिसार में एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ जूतों से पीटे जाने के बाद से अब तक हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। मुद्दा तो दब जाता कभी का, लेकिन विपक्ष अपना किरदार निभा रहा है। मुद्दे को इतना उछाला कि मीडिया में भी हर दिन सुर्खियां बना ये मुद्दा। आखिर पुलिस द्वारा बुधवार भाजपा नेत्री व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन मजे की बात यह रही कि कुछ ही देर बाद नेत्री को जमानत भी मिल गई। एडवोकेट उन्होंने कहा कि देखो जी, पब्लिक सर्वेंट थे ये, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में इनको पीटा है, इनको ठीक नहीं, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपोज किया, हमने सारे फैक्ट्स रखे, 2 FIR है, क्रॉस केस है, ये ट्रायल में पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलान फुटअप हो गया, पुलिस को ड्यूट नहीं है। सेक्शन 147, 149, 186, 353, 332 और 506। कोविड-19 वायरस से मुकाबला करने के लिए चार्ली टॉर्नेडो एयरब्लास्ट स्प्रे मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई के मिश्रण से जींद को सैनिटाइज किया गया, जिसकी शुरुआत रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी कांग्रेस के दिशा निर्देश से कार्यकर्ताओं ने जींद की सब्जी मंडी से छिड़काव करना शुरू किया। आज जींद शहर में कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज और कांग्रेस हमारे जींद के जो कांग्रेस के साथी, उनके द्वारा आज यहाँ हम चार्ली टोनाडो जो एरोब्लास्ट स्प्रे मशीन है उसको लेकर आए हैं। बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से फिर आए 3 मामले, संख्या पहुंची 368। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों का आना लगातार जारी है। सेक्टर 25 से 35 वर्षीय कोरोना मरीज मिलने के बाद बुधवार को इसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 3 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में कैसल ग्रिल नाम के खाने पीने की शॉप में आग लग गई। बताया जा रहा है आग सिलेंडर फटने से लगी है, जिसमें कुक का हाथ जल गया है, जिसे सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। फेस 3A स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बुधवार को दिन दहाड़े हथियारों के बल पर 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही SSP कुलदीप सिंह चहल समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
जहां इस समय कोरोना महामारी में सभी अस्पताल अपना किरदार एक रक्षक के रूप में निभा रहे हैं, वहीं जालंधर फुटबॉल चौक के निकट निजी अस्पताल जिसने एम्बुलेंस में घायल मरीज को दाखिल नहीं किया, उसके चलते मरीज ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। मरीज से पहले इलाज के 12 लाख रुपए वसूले थे, फिर किसी और अस्पताल में इलाज करवाने की बात परिवारों से कही थी। जिला सोलन भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्रक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सोलन मुख्यालय से किया गया, जिसमें विशेष रूप से भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा रशीमधर सूद उपस्थित रही। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने प्रधानमंत्री के संदेश सहित घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर व पत्रक बांटे। आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने फेस कवर, 3 पत्रक, जो कि एक मोदी जी का हमारा जो पत्रक है जो उन्होंने जनता के नाम पर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो, और एक हमारी उपलब्धियां जो एक साल के पूरा होने पर हमारी केंद्र सरकार ने की है, और हमारी 2.5 साल की सरकार जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में जो हमने उपलब्धियां की हैं उनके 3 पत्रक, और सैनिटाइज़र जो है वो आम वार्ड वाइज अपने अपने एरिया में सभी बहनें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर, तब तक के लिए अलविदा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।